रास्ता निकला है यार, अभी भी लाल समझ रहे। साला कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करने के बावजूद हम लोग अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे। अरे अब तक तो हमें कहीं का कहीं पहुंच जाना चाहिए था। आगे की सोचते हैं, अभी जैसा चल रहा है ना उससे बात आगे बढ़ने वाली है ही नहीं। साला तो पैसे हाथ नहीं आ रहे, पर साला वो सिरदर्द अलग है। साला उसकी वजह से हम लोग अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाते। यार हम डिसपॉइंट नहीं होते, हमने कई सारे केस स्टडी किए जिसमें पुलिस के काम का दस्तूर है कि एक टाइम के बाद बड़े से बड़ा केस ना धूल चाटती फाइल नजर आती है, और वही सही समय होता है वार करने का। और आलोक उसका क्या करें? आलोक, अरे आप यहाँ कैसे? तो उससे मिलने आया हूँ। हेलो, अपना फोन स्विच ऑफ कर। साहब ये साहूकार लक्ष्मण भी गट्टा बिरादरी से है, और बड़े बड़े गट्टा रईस बिरादरी वालों को लोन देता है जो बैंक नहीं जाना चाहते। सर इस केस से जुड़े दो लोगों ने लोन ले रखा है। पहला है सुजीत का भाई भूपेंद्र गट्टा, जिसने 4 साल पहले 15 लाख का लोन लिया था। और दूसरा ज्ञानी गट्टा, जिन्हें लोग सुबेदार भैया भी बोलते हैं। कितने का लोन लिया था? 25 लाख और सूद मिला के 35 के आसपास। तो इतना बड़ा कर्ज लिया किस लिए था? अब ये बात तो पता नहीं चल पाई साहब। तो ये दोनों लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम से चुका पा रहे हैं? साहब ये भूपेंद्र गट्टा की एक भी किस्त मिस नहीं हुई, पर ये जो सुबेदार भैया हैं ज्ञानी गट्टा, इनका कुछ माजरा है। ये जो मेरी कोठी है काफी खस्ता हालत थी, इसके मरम्मत के लिए लोन लिया था मैंने लक्ष्मण से। आपके भाई सुजीत तो काफी पैसे वाले हैं, उनसे मदद क्यों नहीं ली? देखिए आप अभी तक आलोक का पता नहीं लगा पाए, और ये बार बार हमें जताने की जरूरत नहीं है कि हम आलोक का पता नहीं लगा पाए। आपसे पूछा गया हर सवाल हमारा एक एक मिनट सिर्फ आलोक के लिए, इसलिए चुपचाप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। सुजीत से मदद क्यों नहीं ली आपने? इंस्पेक्टर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद कर्ज में डूबा हुआ हूँ, इसलिए मैंने ही खुद अपने भतीजे का अपहरण करवाया? भूपेंद्र भैया आलोक के ताऊ जी हैं। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही कि हमारा घर एक ही है और इसी घर से जुड़ा कोई है जो इस किडनैपिंग में शामिल है? सुजीत जी, हमें ना आपको डराने की कोशिश है और ना ही निराश करने की। हम एक भी एंगल ऐसा नहीं है जो छोड़ रहे हैं। देखिए हमें ऐसा लगता है कि आलोक की किडनैपिंग के पीछे जो कोई भी है उसने आलोक के साथ जरूर कुछ भयंकर किया। देखिए मैडम, आप जो भी कहो, आपका तजुर्बा जो भी हो, लेकिन भूपेंद्र भैया जितना प्यार अपने रतन से करते हैं ना, उतना ही प्यार मेरे आलोक से भी करते हैं। इन फालतू के सवालों में आप लोग वक्त जाया कर रहे हो। चार साल पहले आपने 25 लाख के बदले में अपनी जमीन गिरवी रखी थी। लक्ष्मण गट्टा से मिले आप? काफी भारी सूद वसूल करता है, धंधा है उसका, और कोई बिरादरी वाला डिस्काउंट नहीं देता। लोन किस लिए लिया था? घर बार वाले लोग हैं, एक खर्च हो तो बताओ आपको। और ये लोन अभी तक आपने चुकता नहीं किया? असल तो छोड़िए, सूद तक नहीं चुका पा रहा हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ, अब एक पेंशन से तो हो नहीं रहा। वैसे जिस वक्त ये जमीन गिरवी रखी थी, जमीन के दाम तब भी वही थे जो आज है? बिल्कुल नहीं, ये तो 2-2.5 साल में चमत्कार हो गया। और इसी चमत्कार के चलते सुजीत गट्टा और दशरथ गट्टा जैसे लोग करोड़पति बन गए रातों रात, और आप नहीं बन पाए। वैसे बताया नहीं आपने लोन क्यों लिया था? करीबी रिश्तेदार की बेटी की शादी थी, दहेज के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी। हवाला भी यह है कि ना तो मैं जमीन छुड़ा पा रहा हूँ और ना ही वो रिश्तेदार पैसे दे रहा है। सर भूपेंद्र पे शक करना बनता नहीं, उसने अपने लोन की एक भी इंस्टॉलमेंट को मिस नहीं किया। अगर वो चाहे तो पूरा लोन एक साथ पे कर सकता है सर, और उसने किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखा है।
सिर्फ लोन लिया है। सर सूबेदार ज्ञानी गट्टा से कुछ पता चला क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ। ये सूबेदार ज्ञानी गट्टा या तो एक्स्ट्रा लार्ज दिल रखता है अपने सीने में, या फिर इसने अपने सीने में कुछ शातिर राज छुपा रखा। मुझे इस सूबेदार की एक एक डिटेल चाहिए और इसके रिश्तेदारों की। इस बारे में? ये हमारी जमीन में इनके बारे में अभी तक तो किसी ने नहीं पूछा, क्यों, क्या बात है? सुनो मीनाक्षी, अगर कोई तुमसे हमारी जमीन या कर्ज के बारे में कुछ भी पूछे, कहना तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। पर मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? वो मैं तुम्हें वक्त आने पे बता दूंगा। अभी पुलिस या कोई भी तुमसे कुछ पूछे, कहना मुझसे आके बात करें। अरे भाई, किसका नाम उछाल रहे हो? सूबेदार जी पूरे गांव के सलाहकार हैं, बहुत इज्जत है उनकी। चाहे कैसे ही मसला क्यों ना हो, सटीक सलाह रहती है उनके पास। तो उनके घर जो शादी हुई थी उसमें तो पूरा गांव शरीक हुआ होगा। शादी? कौन सी शादी? किसी नजदीकी रिश्तेदार की बेटी की शादी थी, आज के 4 साल पहले। 4 साल पहले? नहीं भाई, किसी और की हुई होगी। अरे नहीं नहीं, उनके किसी नजदीकी रिश्तेदार की बेटी की शादी हुई थी। सूबेदार जी का एक ही लड़का है और वो अभी तक कुंवारा है। सूबेदार जी का एक भाई है लेकिन उनके भी लड़का ही है, तो फिर बेटी कहाँ से हुई? वैसे ये सूबेदार के भाई इसी गांव में रहते हैं ना? कनकपुर गांव में रहते हैं। सूबेदार जी के ससुराल भी वहीं है, कनकपुर। अब अगर कोई सामने से बताए कि लोन किसके लिए चाहिए तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर बताए नहीं तो उसके लिए इंक्वायरी थोड़ी ना बैठा सकता हूँ मैं। लक्ष्मण जी, ये सूबेदार ने अपने किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था? अरे सर जी, हम तो ये सूबेदार पे भरोसा करके फंस गए। मतलब? 4 साल पहले जमीन गिरवी रख करके लोन लेके गया था, आज इतने साल हो गए, असल की बात तो दूर रही, सूद का एक टुकड़ा तक नहीं चुकाया है। हमने भी तंग आकर के फाइनल वार्निंग दे ही दी कि अगर 1 साल के भीतर में लोन नहीं चुकाओगे तो तुम्हारी जमीन जब्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इससे दर आदमी है गाँव का, किश्त क्यों नहीं चुका पा रहा है? सर जी, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो आप सूबेदार से पूछिए या उसके बेटे समीर से। पिछले 5 सालों में इस सूबेदार के किसी भी रिश्तेदार की लड़की की शादी नहीं हुई। सूबेदार के भाई महादेव गट्टा के अलावा कोई और करीबी रिश्तेदार है सूबेदार का? नहीं, सूबेदार भैया के बड़े भाई महादेव भैया का एक लड़का है किशोर, और ये किशोर भी तो अभी कुमारा है, और अगर उसकी शादी भी हुई होती तो इतना खर्चा क्यों होता? लड़के वाले जो हैं, सूबेदार की पत्नी मीनाक्षी का मायका, वहाँ कुछ ना? सूबेदार भैया के ससुराल में उनकी सास हैं गीता जी, अभिषेक और दीपक, ये दोनों सूबेदार भैया की पत्नी मीनाक्षी के छोटे भाई हैं। इन दोनों की शादी नहीं हुई है। अब इनके अलावा सूबेदार का कोई रिश्तेदार है तो मुझे पता नहीं, पर हाँ कनकपुर में तो कम से कम कोई नहीं। क्या गट्टा साहब, चलेंगे? माल करते हैं दुबी जी, मेरे पीछे ऐसे पड़ेंगे जैसे किडनैपिंग मैंने करवाई है। किडनैपिंग करवाई या नहीं करवाई ये तो पता चल ही जाएगा। हाँ लेकिन इतना पता है कि 4 साल पहले आपने किसी की शादी तो नहीं करवाई थी। The number you are trying to call is currently switched off. नंबर बंद जा रहा है, कोई दूसरा नंबर आपके बेटे का? नहीं, मेरे पास तो बस यही एक नंबर है। आप जिस बैंक के बारे में बता रही हैं, कॉमन ट्रस्ट बैंक, कोलकाता में कम से कम उसके 1 दर्जन ब्रांचेस हैं। आपका बेटा किस ब्रांच में काम करता है? वहाँ का नंबर होना चाहिए ना आपके पास? वहाँ का नंबर तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक नंबर है। मैं किसी भी कारण से अपनी जमीन गिरवी रखूं, वो मेरा निजी मामला है। लेकिन जो कारण आपने हमें बताया कि किसी करीबी रिश्तेदार की बेटी के दहेज के लिए, वो कारण हमने खंगाला, कुछ नहीं मिला। मैं नहीं बताना चाहता था असल में मैंने वो लोन क्यों लिया है, लेकिन आप लोग हैं कि बस घुसते चले जा रहे हैं। अभी तो हमने ठीक से शुरुआत भी नहीं की है। लेकिन क्यों, मेरी जमीन, मेरा लोन, आप लोग सटिया गए हैं क्या? किडनैपिंग के केस में आप मुझे लिंक कर रहे हैं, मुझे? सर, सैन के बेटे समीर गट्टा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और इनकी पत्नी को यह तक नहीं पता कि कॉमन ट्रस्ट बैंक के किस ब्रांच में वो काम करता है। सूबेदार ज्ञानी, अब बता दीजिए। अब आप पहले ही बताइए, क्या गेम खेला जा रहा है मेरे साथ? पहले मेरा लोन, अब मेरा लड़का, क्या ही है? कोई और नहीं मिला तो मुझे बलि का बकरा बनाएंगे। कोलकाता में आपका बेटा कहाँ और किस ब्रांच में काम करता है लिख कर दीजिए। मैंने हमारे कोलकाता के सारे ब्रांचेस में इंक्वायरी भेजी थी इस समीर गट्टा के लिए। और आप कह रहे हैं कि समीर आपके किसी भी ब्रांच में काम नहीं कर रहा है? सिर्फ कोलकाता ही नहीं,
बल्कि कॉमन ट्रस्ट बैंक के किसी भी ब्रांच में कोई भी समीर गट्टा एम्प्लॉयड नहीं है। ये किशोर गट्टा है साहब, सूबेदार ज्ञानी गट्टा का भतीजा और महादेव गट्टा का बेटा। ये भी कनकपुर में नहीं है, इसका फोन ऑफ आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से माँ बाप से कॉन्टेक्ट भी बंद है साहब। ये अभिषेक गट्टा और उसका छोटा भाई दीपक गट्टा, सेम स्टोरी है साहब। ये दोनों भी कनकपुर गांव से गायब हैं और फोन ऑफ आ रहा है। आपका खुद का बेटा समीर गट्टा और भाई का बेटा किशोर गट्टा और दोनों साले अभिषेक गट्टा और दीपक गट्टा, ये चारों इस वक्त कहाँ हैं? क्या बात है सूबेदार जी, क्या जानते हैं आप? सूबेदार जी, नामुमकिन। अरे सूबेदार भैया हर कदम पर हमारे साथ रहे हैं। तभी तो भूपेंद्र जी, आपके और हमारे हर एक कदम से वाकिफ था वो। एक मिनट मैडम, अगर सूबेदार जी हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो हर वक्त मुझे साहस क्यों देते? दरअसल एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गया, सूबेदार जी ने भी मुझसे कहा था कि उनकी बात हुई थी। किससे? आलोक से। क्या सुजीत, ये अपहरण करता तुम्हें दोबारा फोन करेंगे। आपको कैसे पता सूबेदार जी? अरे बाकी लोगों की तरह उनके पास मेरा नंबर भी तो है। आपकी बात हुई है उनसे? दरअसल मेरी बात आलोक बेटे से हुई। आलोक से बात हुई? कहाँ है वो, कैसा है, क्या क्या क्या, क्या बोला? क्या शांत शांत रहो, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, बहुत तकलीफ में था। उसने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि पापा को बोलो मुझे छुड़ा लो। छुड़ा लूंगा मैं तो जरूर छुड़ा लूंगा उसको। कैसे बताओ ना, कैसे छुड़ाओगे उसे? पैसे देकर। पैसे तो अंदर रेडी रखे हैं। पुलिस भी तो हरदम रेडी रहती, उनका कोई जासूस जरूर है जो हमारी सारी खबर किडनैपर्स को देता है। क्या 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 करें सूबेदार जी? कल जब किडनैपर्स का फोन आए तो उनको बोलो इस बार पुलिस साथ नहीं होगी, और सच में पुलिस साथ में नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर उनसे कहना होगा कि आप लोग पीछे हटके। ऐसा ही करेंगे। ये पुलिस वाले ना किसी के नहीं होते, ये हमारे दर्द को कहां समझेंगे? जी जी, काश आपने बात हमें पहले बताई होती तो आलोक इस वक्त आप लोगों के साथ होता, वो सारा गिरोह जेल के अंदर। ये सभी मुल्तानगढ़ में, ये चारों मुल्तानगढ़ में जहां भी है ना वहां आप हमें लेके जाओगे अभी इसी वक्त। बोल आलोक कहाँ है? बोल सुबेदार, समझा दे अपने पिल्लों को और ना ठोक दूंगा। समीप बेटा आलोक कहाँ है? बोल आलोक कहाँ है? वो आलोक भाग गया। कब? आज एक और बात होगी तेरी मौत। ए समीर बता ना। सर पापा सच में भाग गया। पापा सर सारी प्लानिंग उसे की थी सर, वो एन मौके पे हमें चकमा देके भाग गया सर। देख जाओ सबको, देख जाओ। लगता है प्लानिंग काफी लंबे टाइम से चल रही थी और काफी लंबे टाइम के लिए चल रही थी। और ज्योति यहाँ ये किताबें,
यहाँ एग्जाम कौन दे रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे? तुम कौन हो? लोग कौन है? पुलिस। अगर मैं चाहूं तो तुम लोगों को एक साथ भी चीर सकता हूं और अलग अलग भी, कैसे पसंद करोगे? सर, जहां तक मुझे मालूम है, आलोक पिछले 2 महीने से इन लोगों के पास था। हालांकि मैंने उसे अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। वो सच में भाग गया सर। जैसे खबर आई कि जीजा जी पकड़े गए हैं, अचानक से गायब हो गए। फिर से बोल। वो भाग गया सर। जैसे पता चल गया जीजा जी पकड़े गए। इंस्पेक्टर होगा तू अपने थाने में, इस समय तू अपने बाप से बात कर रहा है, समझे? फिर अति का कॉल तो ही करता था ना। तेरी इस टांग में प्रॉब्लम है ना, तेरे हाथ में भी प्रॉब्लम करो। बोल, आलोक कहाँ है? आप झूठ बोल रहे हैं। हमारा आलोक खुद ऐसी प्लानिंग कभी नहीं कर सकता। सुजीत जी, वो लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। आलोक की किडनैपिंग कितनी सच है ये तो पता लगाएंगे हम। वैसे आपको एक बात बता दें, एक लड़की भी हमारी हिरासत में। लड़की? जी हाँ, लड़की। उसका कहना है कि आलोक ऐसे बिहेव ही नहीं कर रहा था जैसे कि उसका किडनैप हुआ। मैडम, मैं तो समीर की फ्रेंड हूँ, 6 महीने से रोज उस घर आ जा रही हूँ। समीर और दीपक दोनों बैंक के पीओ के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करते हैं दोनों। ऐसे में वो किसी को किडनैप क्या करेंगे? और आलोक भी घर में ठीक से रह रहा था, हम सब तो हंसी मजाक करते रहते थे। तो ये कह रही है कि आलोक यहाँ मुल्तानगढ़ में उस घर में कैदी था, पर कैदी जैसा पेश नहीं आ रहा था, हंस खेल रहा था। बिल्कुल मैडम। कहाँ है वो इस वक्त? मैडम, वो तो मुझे नहीं पता, मैं खुद 1 हफ्ते से बाहर थी, समीर से भी मिलने नहीं आ पाई। मैं आपको कह रही हूँ ना, वो किडनैप नहीं हुआ था। आप खुद सोचिए, कोई किडनैप हुआ बंदा गाने वाने गाकर खाना बनाएगा, वो भी अपने किडनैपर्स के लिए। नींद आती है कम, तुमको देखा मैडम, एक बार भी आलोक ने मेरे सामने जिक्र नहीं किया कि वो किडनैप हुआ है। ना समीर ने जिक्र किया, ना किसी और ने। मैं मुल्तानगढ़ रहती हूँ, वहीं पढ़ती हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता कि समीर ने उसके दोस्तों ने मिलकर किडनैपिंग की है, तो मैं सबसे कोई वास्ता ही नहीं रखती। ये सबके साथ स्टोरी फैल रहे हैं सर, इनकी तोड़ाई शुरू करते हैं। वो लड़की निहारिका भी इन सबके साथ शामिल है, ज्योति आड़े हाथों ले रही है उसे। नहीं नहीं सर, उसे कुछ मत कीजिए प्लीज, उसे सबके बारे में कुछ नहीं मालूम है, वो इनोसेंट है सर। बोल बेटा समीर, कौन इन्वॉल्व था और कौन इनोसेंट? आलोक कहाँ है? सर ये सच है कि आलोक की किडनैपिंग हुई थी, लेकिन ये भी सच है कि वो खुद इस प्लान में शामिल था। तो इस दीपक से डरेगा ना तो मरेगा, और साथ में तेरी गर्लफ्रेंड निहारिका भी मरेगी। बोल, आलोक कहाँ है? बोल। सर असली मास्टरमाइंड यही है सर, दीपक मामा। झूठ है सर, सरासर झूठ। इसी ने बोला था कि आलोक को उठाते हैं, बोला उसके बाप के पास बहुत ज्यादा माल है। बोल, बोला था कि नहीं? बोला था। बोल रहा है सर, सारी प्लानिंग इसी ने की थी सर। अरे सच बता, तूने नहीं बोला? पापा से पूछिए, हम ये सब करना ही सर। आलोक कहाँ है ये बताओ, आलोक कहाँ है? बोलो बोलो सर। सर वो मर गया सर, हमने उसे मार दिया सर। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाग गया, अभी कह रहे हो कि मार डाला, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या बोलोगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं कि आलोक कहाँ है? कहाँ है आलोक? सर मैं सच बोल रहा हूं सर, हम सब ने मिलकर उसे मार दिया।
पुलिस ने शिनाख्त के लिए बुलाया है। कन्हे की लाश अपने आलोक की है। दशरथ जी, अभी हम उन लोगों से आलोक के कत्ल और किडनैपिंग इनकी डिटेल्स निकलवा रहे हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि ये लोग राकेश के किडनैप के पीछे भी थे। दीपक और अभिषेक तो दूर के रिश्ते में पड़ते हैं। देखिए, हमने आपसे और सुजीत गट्टा जी से कितनी बार पूछा था कि क्या कोई ऐसा रिश्तेदार है जिस पे शक किया जा सकता है। लेकिन दीपक भैया और अभिषेक भैया का राकेश भैया से क्या बैर हो सकता है? देखो अदिति, बैर का तो पता नहीं, पर आलोक के केस में उन दोनों का कहना है कि आलोक उनके साथ मिला हुआ था। अब राकेश के बारे में वो क्या कहते हैं ये देखना बाकी है। सर, आलोक थक चुका था, वापस घर जाने की जिद कर रहा था। लेकिन ऐसे कैसे जाने देते उसे? बस अब बहुत हो गए, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मतलब जाना है, मैं जा रहा हूं। ए आलोक, क्या बच्चों के जैसी बातें कर रहा है? तू यहां से गया तो हम सब यहां से गए। लेकिन भैया, यहां पर भी रहकर कुछ हो तो नहीं रहा है ना? उधर पापा ईमानदारी से 50 लाख रुपए लाते हैं तो आप लोग लेने नहीं जाते? अगर हम पैसे उठाने जाएंगे तो पुलिस हमें उठा लेगी। वो तेरे पापा और तेरे ताऊ दोनों बेकार में पुलिस की गोद में जाकर बैठे, पर वो लोग उनकी आया की तरह साया बनकर पीछा। वो सब मुझे नहीं समझना। आप लोगों ने 2-3 दिन का खेल बोला था, वो खेल हो गया। हेलो, अपना फोन स्विच ऑफ कर दे। अरे भैया, वो मुझे ना आटे का डिब्बा घर पे छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ूंगा ना तो पापा फिर लेक्चर देने लगेंगे मुझे। दुकान किस लिए दी ऊपर वाले ने? यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। भैया सिर्फ 5 मिनट लगेगा, छुड़वा देता हूँ ना। अरे तू 10 मिनट में चक्की में होगा, तो हमारे साथ चल, तेरे लिए एक मस्त प्लान है। किडनैप? आप लोगों ने मेरा किडनैप किया। भैया मेरा ना आटे का डिब्बा रेडी हो गया होगा, मैं डिब्बा लेने जाता हूँ। आलोक, आलोक हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे पापा से 50 लाख रुपए मांगेंगे और वो बड़ी आसानी से ये रकम हमें दे देंगे। देख, मांगेंगे 50, लेंगे भी 50, और उसमें से पूरे का पूरा 5 तेरा। भाई मुझे इतना सर्कस करने की क्या जरूरत है? देखो 50 या 5, पूरे के पूरे पैसे मुझे ही मिलने वाले। पापा सब कुछ मेरे लिए तो छोड़ के जाएंगे, करोड़ों रुपए जितने भी है सब मेरे लिए छोड़ के जाएंगे। वो कहावत सुनिए तूने कि जब दांत थे तो चने नहीं थे चबाने को, और जब चने हैं चबाने को तो दांत नहीं है। अच्छा एक बात बता कि बुढ़ापे में ये करोड़ों रुपए क्या करेगा? अभी 2-4 दिन में तेरी जेब में कैश 5 लाख होंगे। सुन, ऐश करना। भैया आप लोग पागल वागल तो नहीं हो गए या मेरे पापा को लल्लू पुंजू समझ रहे हो? अरे मतलब आप लोग एक फोन करोगे और पापा ऐसे ही लाके 50 लाख रुपए आपको दे देंगे। इधर पापा क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये मैं करा रहा हूँ, उनके साथ मस्ती मजाक कर रहा हूँ। 50 लाख नहीं, 50 जूते मारेंगे मुझे पूरे गांव में। और अगर दे दिए तो पूरे 50 लाख रुपए सिर्फ एक फोन कॉल पर, वो भी कैश रोकड़ा। अरे बस करो यार मामा, कहने सुनने में सब बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कोई ऐसे ही इतनी बड़ी रकम बतौर फिरौती के दे देगा? पुलिस के पास नहीं जाएगा? ये एक छोटा रिस्क फैक्टर है पुलिस। हमने किडनैपिंग केस की इंडस्ट्री में बहुत सारे केसेस स्टडी किए, एक एक केस की बाल की खाल की हमने। और ये हमने है कौन? किशोर अभिषेक, दोनों मेरे साथ हैं, टीम है अपनी। मामा लगता है टीवी पर रात में क्राइम पेट्रोल को ज्यादा ही देख रहे हैं आप। हाँ, वो भी हमारा स्टडी मटेरियल है। तो फिर शायद कभी पूरा एपिसोड नहीं देखा। एक भी ऐसा केस बता दो जहाँ पे क्राइम को सक्सेस मिली। देखा नहीं लास्ट में क्या होता है? सारे क्रिमिनल पकड़े जाते हैं और साले जेल में सड़ते रहते हैं। क्राइम पेट्रोल में उन्हीं केसेस को दिखाते हैं जिनमें क्रिमिनल बेकूफ होते हैं, डफर डफर सुराग छोड़ के जाते हैं। दर्जनों सैकड़ों ऐसे केसेस हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती, और वैसे हमारा प्लान फुल प्रूफ है। तो बोल, बनेगा गाड़ी का चौथा पहिया? फिर देखना गाड़ी कैसे भागती है। कोई टारगेट सोचा आपने? तू बता, है कोई मुर्गा? वो आलोक को जानते हैं आप? वो सुजीत गट्टा का लड़का। अच्छा नाम सोचा समीर, और उसके उठाने का एक फायदा भी है, अपना एक बंदा ना दुश्मन के कैंप पे रहेगा, अपना जासूस। कौन? मेरे जीजा
और तेरे पापा। देखो ये बेवकूफी वाली बातें ना करो। जीजा एकदम मक्खन के जैसा ऑपरेशन होगा और आलोक का बाप ना बिना किसी आना का नहीं 50 लाख तो दे ही देगा। आप फिक्र मत कीजिए, मामा की प्लानिंग एकदम तोप है। किसी को किडनैप करना सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं, इंसानी तौर पर भी ना इंसाफी है। दुनिया में हर किसी के साथ इंसाफ नहीं हो सकता, और हमारे साथ कौन सा हो गया? हमने कितने पैसे कमाए, रिकवर करने हैं ना। एक बार इस मौके को समझिए कि एकदम रेडीमेड है सिर्फ हमारे लिए, और आपको सिर्फ सुजीत गट्टा के परिवार पर नजर रखनी है। और बड़ी चालाकी से उन्हें फिरौती देने के लिए मना लिया। और पापा आपकी राय आपकी सलाह को सारा गांव सलाखों पर रखता प्लीज। मुझे नहीं मालूम था कि मामला यहां तक पहुंचेगा, मेरी वर्दी की कसम। मुझसे इन लोगों ने कहा था कि आलोक बड़ी मस्ती के साथ रह रहा है और उसे कोई खतरा नहीं है। आलोक ने 5 लाख के लिए प्लान में शामिल होना कबूल कर लिया था, वो हमारे प्लान का हिस्सा था, उस पर कभी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। 5 लाख कैश ऑन द स्पॉट, पूरे के पूरे? पूरे के पूरे कैश। डील। डील। और ये निहारिका, इसका इस गैंग में क्या रोल था? कोई रोल नहीं था सर, उसे तो पता तक नहीं था कि आलोक किडनैप है। वो तो उसके साथ बस फ्रेंडली थी। फ्रेंडली मतलब? आलोक को अपनी खूबसूरती से रिझा रही थी, बात कितनी आगे बढ़ी थी। सर वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करी थी और ना ही मैं ऐसा कुछ करने का सोच रहा था। सर आलोक को निहारिका को देखकर उससे मिलकर अच्छा लगता था, इसीलिए समीर उसे बार बार वहां बुलाता था। मतलब जब आलोक तुम लोगों के प्लान से थक गया, जब निहारिका से उसका मन ऊब गया, तो तुम लोगों ने उसको पीटा। उसे जाने देते तो हमारा भांडा फोड़ देता। मैं जा रहा हूं यहां से। आलोक तू कहीं नहीं जा, चल यहीं बैठ, समझा? भैया आप लोग भी कहीं नहीं जाते और मुझे भी कहीं नहीं जाने देते। हटे, मैं जा रहा हूं। एक रोक मत मुझे, मैं जोर जोर से चिल्ला दूंगा। चुप रहे, मैं चिल्लाऊंगा। चुप चुप जवान छोड़। कुछ भी हो जाए इसे यहां से जाने नहीं दे सकते। ये तो प्लान में सोचा ही नहीं था। अभी प्रॉब्लम आई तो हल भी निकलेगा। सबसे पहले तुम समीर उस निहारिका को यहां नहीं से रोको, वरना ये बंदर ना सब कुछ भग देगा। निहारिका को मैं संभालूंगा, लेकिन अब आगे क्या करना है? कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी सोचना पड़ेगा। पापा पुलिस हट नहीं रही और पापा बहुत परेशान हो रहे। तुम सुबेदार जी की चिंता मत करो, जीजा जी बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन आप मामा, आप ना एक्सपर्ट से कोसों दूर है। सब कुछ मक्खन होगा बोल बोल के हमें इस दलदल में फंसा दिया। मामा पानी सर के ऊपर चढ़ने पर पापा ने जो जमीन गिरवी रखी थी, इस बात की इंक्वायरी कर रही है पुलिस लक्ष्मण पापा से। पुलिस वाले को कुछ पता तो नहीं लगा है ना? पापा 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे कि पुलिस वालों के बीच जरूर कुछ ना कुछ पकड़ा है। और अगर जीजा जी ढीले पड़ गए ना तो हम सबकी खटिया खड़ी समझो। अब बताएंगे भी क्या करना है आगे? क्या हुआ आपके रिसर्च और केस स्टडी का? जरा हम भी तो सुने, बताओ जरा ऐसा कौन सा केस था जिसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाई और मुजरिम हाथ मार गया? बोल दीपक गट्टा कौन सा केस था? तू बोल, राकेश गट्टा का केस था? उस केस के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं इन्वॉल्व नहीं था। तू भी इन्वॉल्व नहीं था? दीपक गट्टा, राकेश गट्टा ने खुद अपनी किडनैपिंग करवाई, फिरौती के लिए कॉल किया और हवा हो गया। सर राकेश के केस में मैं भी इन्वॉल्व नहीं था सर, ये मेरा भाई दीपक और किशोर इन दोनों ने कांड किया था सर। क्या कहा उन लोगों ने?
कहाँ है राकेश? दशरथ जी, इस वक्त दावे के साथ तो हम नहीं कह सकते, पर वो लोग कह रहे हैं कि राकेश ने भी आलोक की तरह फिरौती में हिस्से के लिए हाँ कहा था। नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। इन दोनों केसेस में मिलाकर इतने झूठ बोले गए हैं, इतने झूठ बोले गए ना, कि अब अगर कोई सच बोलता है तो हमें यकीन नहीं होता, और अगर कोई झूठ बोलता है तो भी हमें यकीन नहीं होता। राकेश, अरे दीपक भैया, फोन क्यों ले रहे हो? अरे ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। सुबह पार्टी करने वाले हैं, फुल ऑन पूरी रात, फोन का क्या करेगा? अच्छा वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, उतना ही बता दो। सरप्राइज है, पर यकीन मान सुनकर हिल जाएगा। तो इन शॉर्ट, तुम्हारा केस स्टडी का केस भी तुम्हारा ही केस है, प्रैक्टिकल वाला, राकेश गट्टा किडनैपिंग। इसमें बात आगे बढ़ी नहीं और मामला ठंडा पड़ गया। दशरथ से तुम लोगों ने मांगा 75 लाख और सुजीत से 50 लाख, ये रकम क्यों चाहिए थी? ज्ञानी सूबेदार की जमीन जो गिरवी पड़ी थी उसे छुड़ाने के लिए? क्या इन दोनों किडनैपिंग का मास्टरमाइंड ज्ञानी सूबेदार है, या वो एक्टिंग कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानता? वो महज आलोक किडनैपिंग केस का एक इन्फॉर्मर है। नहीं सर, मेरे पापा इस सब में इन्वॉल्व नहीं थे, वो तो पहले से ही मना कर रहे थे सर। तुम सब भी तो मना ही कर रहे थे ना, है ना? राकेश गट्टा और आलोक गट्टा ने जिद की कि हमें किडनैप कर लो और तुम लोगों को किडनैपर बना दिया। बोलो, इस किडनैपिंग का मकसद क्या था और तुम लोगों को इतने पैसे की क्या जरूरत थी, और तुम लोग इतने बेचैन क्यों हो रहे थे? मुझे पता था कि राकेश अगवा हुआ है, सभी को पता था, लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस मामले में मेरा साला दीपक भी इन्वॉल्व है। दीपक इन्वॉल्व क्यों था? हम दोनों की हालत बहुत खस्ता थी, बहुत बुरी, दोनों के बहुत सारे पैसे डूबे हुए थे। कहाँ? सरकारी नौकरियां पाने की कोशिश में। लेकिन तेरा ये बलराम बताए तो कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी का वादा कर रहा है वो? अब क्या फर्क पड़ता है जीजा जी, सरकारी नौकरी है, डिपार्टमेंट कोई भी हो, बंदे को एक तनख्वाह गवर्नमेंट देगी और दूसरा वो खुद कमा लेगा। वैसे बलराम बोल रहा था कि खुद के कमाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अरे यार दीपक, तुम तो ये वाला एग्जाम भी फेल हो गए, अब इसके अलावा कोई दूसरा चॉइस तो है भी नहीं। वैसे भी विकलांग हो तो एडमिन के अलावा कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते। कहीं तो जैक लगा दो। अरे भैया, अपना काम ऐसा वैसा नहीं है कि किसी बड़े बाबू या मंत्री वंत्री से फ़ोन लगवा दिया, बड़ा लंबा चौड़ा काम है। सरकारी नौकरी के लिए ना, एग्ज़ाम पेपर लीक करवाना, किसी सही बंदे से उसे लिखवाना, जमा करना, सिस्टम को पूरा ऊपर से नीचे ऑयलिंग करना, पैसा खिलाना पड़ता है, तब जाके मुँह बंद होता है। कितना? अब वो तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है इतने पैसे जुटाने में। भैया मैं तो पूरा एडवांस लेता हूँ। हाँ, इतनी गारंटी ज़रूर देता हूँ कि एक बार नौकरी लग गई ना तो दूसरी तनख्वाह में पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, तुम जितना दोगे उतनी तगड़ी नौकरी मिलेगी। 25 लाख आए कहाँ से तुम्हारे पास? अम्मा और अभिषेक से बात करके अपनी ज़मीन बेच दी और पैसे दे दिए बलराम को। 3 महीने बाद पोस्टिंग आएगी ऑफिसर की। अब ये समीर को भी कहीं लगाओ ना, क्योंकि सर्विसेज एग्जाम का ये लास्ट साल है, अब पता नहीं वो पास होगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अब भी अपनी ज़मीन बेचोगे? नहीं, वो साहूकार के पास गिरवी रखूँगा, तो बलराम से बात तो कर देगा ना। क्यों नहीं जीजा जी, समीर मेरा भी तो बन जाए, और वैसे ये बलराम ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकारी नौकरी में उसको पक्का फिक्स करा दे। आप बस एक काम करो, फटाफट पैसे का इंतज़ाम करो, मैं बात करता हूँ उससे। मामा क्या हुआ, फोन नहीं उठाया क्या? साला ये बलराम मिशन कहाँ गायब हो गया? 2 हफ्ते पहले बोल रहा था कि सामने से फ़ोन करेगा, अब देखो रिंग जा रही, फोन ही नहीं उठा रहा। अरे कहाँ हो यार बलराम, फोन ही नहीं उठा रहे हो? अरे मैं काम के बीच हूँ यार, बेवक्त फोन पे फोन किए जा रहे हो, कैसे उठाऊं? हमें अब तक ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी और हमारी पहली तनख्वाह भी आ जानी चाहिए थी। तनिक प्लान चेंज हो गया है। क्या मतलब? वो दोनों नौकरियां थी ना,
तुम्हारी और तुम्हारे वो भांजे समीर की बड़े साहब ने किसी और को दे दी। क्या, क्यों? अरे उन्होंने 35 पकड़ा दिए, और क्यों? तो अब हमारा क्या? देखो भैया, मार्केट में आग लगी पड़ी है, 45 दे के बुझा दो। देखो भैया, मजाक मत करो, मैंने अपनी जमीन बेची है और समीर के पिता ने गिरवी रखी है, अब हमारे पास और पैसे नहीं है। तो क्या करूं, भूल जाओ सरकारी नौकरी। हम किसी और एजेंट से बात करेंगे, तुम आज का आज हमारा पैसा वापस दो। वो तो ऑलरेडी सिस्टम में इंटर हो चुके हैं, वो कैसे लौटा दूं? देखो भैया, मजाक मत करो है, वैसे हमारा मूड ऑफ है, हमें आज ही पैसा वापस चाहिए। सरकारी अफसर बनना है ना, 20-20 और खड़े कर दो, जितना दिए हो ना इतने में लोअर डिवीजन क्लर्क भी नहीं बनोगे। वैकेंसी आएगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। खामखा फोन करके डिस्टर्ब मत करना, उठाऊंगा नहीं। पल्ले पड़ रही है बात? चूना लगा दिया पलटा, चूना नहीं तेजाब फेंक दिया। एक तरफ अपनी जान लड़ा रहे थे, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे कि मेरिट लिस्ट में आ जाए, उसी से कुछ हो जाए, लेकिन जब ये पैसे डूबे ना सर, ये नुकसान दिल में नासूर बन गया। और इस नासूर का इलाज किडनैपिंग था। अपने पैसों की रिकवरी के लिए तुमने अपना सारा दिमाग किडनैपिंग जैसे संगीन जुर्म में लगा दिया। राकेश कट्टा, वो भी शामिल था इस किडनैपिंग? पैसे किसे नहीं चाहिए होते सर, लेकिन राकेश ने सोचने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया। अबे कितना टाइम लेगा सोचने के लिए? 75 लाख रुपए तेरे पापा यूं दे देंगे, तेरे को मिलेंगे 25 लाख, 25 बैठे बैठे यूं ही। पहले तुम मेरा फोन लौटा दो, मैं घर जाकर सोच कर बताता हूँ। घर जाकर तो सीधा अपने बाप को बोलेगा और बाप पुलिस वालों को। नहीं, मैं सच में सोचना चाहता हूँ। इसमें सोचने जैसा क्या है, एकदम दूध बात की जैसे है। देख, हम फिरौती मांगेंगे, वो देंगे, हम उठा लेंगे, इसके बाद हम सब अपना अपना हिस्सा ले लेंगे और फिर हवा हो लेंगे। सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन मुझे सोचना है क्या कैसे होगा। तो यही सोच रहे, सारी रात सोच सोच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने राकेश और आलोक को खुद अपने ही घर वालों को लूटने के लिए मना ली। आलोक तो खुशी खुशी एग्री हो गया था, लेकिन 2 महीने बाद पलट गया, और राकेश शुरू से ही मना कर रहा था, और फिरौती की पहली कॉल के बाद वो हमसे गुस्सा हो गया था। किशोर, क्या है ये? हाँ, क्या है ये दीपक भैया, क्या है ये? आप लोग बहुत ही घटिया और खतरनाक खेल खेल रहे हैं, और आप लोग ने जबरदस्ती मुझे भी इसमें शामिल कर दिया है। देख लेना, हम सब डूबेंगे। अगर हम डर के खेलेंगे तो डूबेंगे, और डट के खेलेंगे तो हवा में उड़ेंगे। और एक बार कैश आउट लग गया ना, सब कुछ सही हो जाएगा। और सुन, तेरे पॉकेट मनी में होगा 25 लाख कैश। मैं जा रहा हूँ अपने घर, लेकिन मैं तुम लोगों का नाम नहीं लूंगा। कह दूंगा कि 2 अज्ञात लोग थे, ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ तुम लोग के लिए। राकेश, राकेश, ए कहीं नहीं जा रहा तू? ए राकेश, चल चल चल, मेरे साथ तुम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। चल अंदर चल, मुझे नहीं रहना तुम लोग के साथ। राकेश, राकेश मेरी बात, राकेश, 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 राकेश मेरी बात सुन। से चल रही है, जब तक इसकी सांसें चलेंगी ना तब तक हमारे लिए खतरा बना रहेगा। क्या बोल रहे हो? वही जो तू समझ रहे, अगर राकेश जिंदा रहना तो हम मरेंगे। राकेश के मर्डर के ख्याल से हम सुन पड़ गए थे, पर हम पीछे नहीं हट सकते थे। हम इस प्लान में काफी अंदर तक घुस चुके थे। किडनैपिंग की तैयारी तुमने एग्जाम की तरह की, ऑनलाइन रिसर्च की, क्राइम शो देखे, फर्जी आईडी से सिम कार्ड लिए, पकड़े ना जाओ इसलिए चाइनीज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए,
क्या सोचा था क्राइम शो देखकर परफेक्ट टाइम कर लोगे? क्राइम शो देख के ये तो सीख रहे हो कि क्राइम कैसे किया जाता है, लेकिन क्राइम शो के एंड में मुजरिम कहाँ पहुँचता है ज़रा ये भी देख लेते। ये देखते तो तुम्हें समझ में आता कि मुजरिम पहुँचता है वहाँ जहाँ इस वक्त तुम लोग हो, जेल और सजा के नरक में। डाइवर्स लगातार 4 दिन से खोज रहे हैं, पर वो सूट के साथ नहीं लगा जिसमें राकेश की बॉडी थी। सर, नदी के किनारे पे पड़ने वाली जितने भी पुलिस थाने हैं सब में चेक किया, किनारे पे किसी को भी सूटकेस वाली लाश नहीं मिली। इन लोगों के हिसाब से इन लोगों ने किडनैपिंग के 2 हफ्ते बाद राकेश को मारा और सूटकेस में डालकर नदी में फेंक दिया। अब इस हादसे को 1 साल गुजर चुका है। 1 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है, पर फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, उसे ढूंढते रहेंगे। राकेश गट्टा की बॉडी कभी मिली ही नहीं। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिली। राकेश गट्टा के लिए फिरौती कॉल्स आने बंद होने के बाद इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होती तो शायद आलोक गट्टा वाला केस होता ही नहीं। हाँ, ये सही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि केस चाहे कोई भी हो, हम ऑफिसर्स की ये ड्यूटी होती है कि हर केस को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना ही होता है। हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, इससे क्रिमिनल्स की हौसला अफजाई होती है। दरअसल हमारी ड्यूटी सिर्फ क्रिमिनल केसेस क्रैक करना नहीं है, हमारा फर्ज है कि हम सोसाइटी में, समाज में ऐसा माहौल पैदा करें जहां पर कोई भी मुजरिम अपने प्लान को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे और जुर्म की तरफ अपने बढ़ते कदम तुरंत वापस ले ले। इस क्राइम ने पे नहीं किया, कोई भी क्राइम पे नहीं करता। रिश्वत देकर नौकरी पाना, फिर उसी नौकरी पर रिश्वत खाकर उसे रिकवर करना, अपने आप में एक संगीन और शर्मनाक जुर्म। रिश्वत लेने वाला अगर रिश्वत देने वाले के साथ चीटिंग करता है तो कानून भी उसके साथ बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं दिखाता, क्योंकि चीटिंग चीटर के साथ हुई। रिश्वत एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इस तरह की चीटिंग ना सिर्फ कानून के साथ होती है बल्कि इंसान के खुद के जमीर, खुद की काबिलियत के साथ भी होती है, जिसकी सजा इंसान जिंदगी भर शर्म के पिंजरे में कैद रहकर काटता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।